बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटो बेटियों अस्सलाम वालेकुम। येस्टरडे वी वर डिस्कसिंग लाइफ साइकिल ऑफ एचआईवी और इन्फेक्शियस साइकिल ऑफ एचआईवी। लेट मी क्लैरिफाई वन और टू एरियाज फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर विच आई थिंक माइट बी कंफ्यूजिंग फॉर यू। लेट मी टेल यू इन उर्दू। तो ये देखिए, ज़रा हमने ये शो किया था कि ये वायरस है, ये वायरस एचआईवी की एनवेलप है और यहाँ पे ये इसकी सरफेस पे रिसेप्टर है और जिसको हमने डायग्राम में स्पाइक लिखा था। तो ये रिसेप्टर है और इन प्रोटीन है और ग्लाइकोप्रोटीन है और स्पेशल इसका नेम है बाकायदा, और हमारे सिलेबस में वो नेम नहीं है। हमने बस उसका नेम नहीं लेना, बस हमने बस उसको रिसेप्टर या स्पाइक बोलना है। इधर होस्ट सेल टी लिम्फोसाइट की सेल मेम्ब्रेन है। तो ये भी जो आपको याद है, एनवेलप जो होती है, वायरस चोरी करके आया था जब इसने पिछले होस्ट पे अटैक किया था, तो उसके सेल मेम्ब्रेन, उसकी बॉडी के सेल्स की मेम्ब्रेन को अपने गिर्द ओढ़ लिया था। तो ये एनवेलप है, तो ये भी मेम्ब्रेन है और इसकी मेम्ब्रेन पे भी स्पेशल किस्म के रिसेप्टर्स हैं। CD4 रिसेप्टर, क्लस्टर डिफरेंशिएटिंग रिसेप्टर्स हैं ये। तो ये प्रोटीन्स का क्लस्टर है और आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, एक दूसरे को आइडेंटिफाई करते हैं ये वायरस और उसका होस्ट। तो ये रिसेप्टर जाके इससे टकरा जाएगा, कांटेक्ट में आ जाएगा वायरल जो रिसेप्टर है CD4 रिसेप्टर के साथ। जब ये आपस में टकरा जाएंगे, फिर इनमें आपस में पुल होगी, खिंचाव डालेंगे ये आपस में, ताकि ये जो वायरस की मेम्ब्रेन है इस मेम्ब्रेन के करीब आ जाए। जैसे दो लोग आपस में हैंड शेक करें और एक हाथ दूसरे हाथ को खींच रहे हो अपनी तरफ इस तरह से, और ये दोनों की मेम्ब्रेन आपस में टकरा के फ्यूज़ हो जाएंगी। और ये देखिए ज़रा, यहाँ पे फ्यूज़ हो गई है। ये है एनवेलप, ये वाली सारी ये एनवेलप है और ये यहाँ पे फ्यूज़ हो गई उसके साथ, इस मेम्ब्रेन के साथ, ये वाली जो मेम्ब्रेन है इस जगह पे, किस जगह पे ये फ्यूज़ हुआ है, जहाँ पे CD4 रिसेप्टर था। CD4 रिसेप्टर वाली साइट है ये वाली, ये हमने यहाँ पे लिख दिया CD4 रिसेप्टर, इस पे होते हैं इसकी सरफेस पे। तो वहाँ पे ये फ्यूज़ होगी वो मेम्ब्रेन होस्ट सेल की मेम्ब्रेन के साथ। वायरस की बाहर जो एनवेलप थी, मेम्ब्रेन थी, वो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से फ्यूज़ हो गई और यहाँ से मेम्ब्रेन टूट गई। और यहाँ से टूटने के बाद अब ये एंटर हो रहा है, अटैच होने के बाद वायरस का जो कैप्सिड है और कैप्सिड के अंदर जो कुछ है, यानी असल घर ये है और उसके अंदर जो कुछ है, तो सारा कुछ ये एंटर हो गया यहाँ पे। तो ये उसके कैप्सिड आते ही अनकोट हो जाएगा, इसको एंजाइम्स तोड़ देंगे और ये इसके प्रोटीन्स यहाँ पे बिखर गए। इसके जो प्रोटीन्स थे वो सारे ये सेपरेट हो गए और ये ग्रीन वाले जो हैं ये RNA के दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं। और फिर हमने कहा था ये RNA के दो मॉलिक्यूल्स को हमने अलग से दिखा दिया और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज भी साथ आया है, कुछ और एंजाइम भी साथ हैं जिनका तस्करा तो नहीं है हमारी बुक में। और वायरल RNA से अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, DNA बन रहा है, तो एक RNA का और ये दो RNA के पहले एक अलग लिए, दो RNA में से हमने एक RNA दिखा दिया, इसकी अब कॉपी हो रही है इस RNA की, इसकी तरह का ये इसकी कॉपी बन गई, इससे बन रहा है DNA, RNA से DNA बन गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ने बना दिया, एक DNA का चेन बन गया। अब यहाँ हमने दिखा दिया एक चेन DNA का है और एक RNA का, यानी यही RNA और समझ लो ये RNA और ये साथ DNA का चेन जो बना है उससे, उस RNA के एक चेन से एक DNA का चेन बन गया, ये हाइब्रिड कहलाता है, यानी दो मुख्तलिफ चीज़ों का मजमुआ है, एक RNA का चेन एक DNA का चेन। अब DNA का जो चेन RNA से बना है, अब RNA चेन यहीं पड़ा रहे, RNA का चेन यहीं रहने दे, और अब इस DNA के चेन को यहाँ ले जाइए, ये DNA का चेन, इसको देख के फिर वही एंजाइम एक और DNA का चेन बना रहा है ये यहाँ पे। अब DNA के चेन बन गए दो, क्योंकि DNA में दो चेन्स होते हैं। अब वायरस का DNA बन गया ये, और अब ये वायरस का DNA एंटर हो जाएगा उधर। और फिर मैं आपको शो करता हूँ कुछ और चीज़ें यहाँ पे, यहाँ पे ये देखिए ज़रा, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर मैं आपको इसका शो कर दूँ।
फिर एक दो चीज़ें और बता दूँ। ये डीएनए एंटर हो गया, डीएनए एंटर होकर जाके उसके होस्ट के क्रोमोसोम में जो डीएनए पड़ा हुआ है ह्यूमन सेल का डीएनए के साथ जाके इंटीग्रेट हो गया, जुड़ गया, इनकॉर्पोरेट हो गया, उसके जिस्म का हिस्सा बन गया, अटैच हो गया। और अटैच करने में भी एक एंजाइम है जो इसमें हेल्प करते हैं। तो ये अटैच हो गए दोनों डीएनए, तो इस वायरस के डीएनए की इस कंडीशन को बोलते हैं प्रोवायरस। अब ये मुमकिन है डोरमेंट हो जाए, इनएक्टिव हो जाए, और उसके साथ जुड़ के बस पड़ा हुआ है ह्यूमन सेल, अपने नॉर्मल रूटीन के काम कर रहा है। और जब इसने अपनी तादाद बढ़ानी हो तो होता क्या है, इसका डीएनए एक्टिवेट हो जाएगा, डोरमेंट नहीं रहेगा, इनएक्टिव नहीं रहेगा, एक्टिव हो जाएगा। और यानी जीन्स ने काम करना शुरू कर दिया, इसके डीएनए के टुकड़ों को जीन्स कहते हैं, इस ग्रीन हिस्से के जो हैं बहुत सारे यहाँ टुकड़े हैं, छोटे छोटे जीन्स हैं। तो एक जीन क्या करवाता है, वो एमआरएनए बनवाता है, मैसेंजर आरएनए, जब इसने अपनी वायरस ने नए वायरस बनाने हों, एमआरएनए बन के यहाँ से बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म में, ये एमआरएनए आ गया, एमआरएनए से के ऊपर मैसेज क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन बनेगा यहाँ लिखा हुआ है, तो ये प्रोटीन बनना शुरू हो, ये वाले मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन बनना शुरू हो गए जो वायरस की बॉडी का हिस्सा बनेंगे कल को। तो ये इसने ये करवा दिए। अब सारी वो चीज़ें बनवाएगा वायरस जो नए वायरस बने ले चाहिए। अब प्रोटीन बन गए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बनेंगे, और एंजाइम चाहिए वो बनेंगे, और रिसेप्टर्स बनेंगे, प्लस ये आरएनए भी चाहिए जो नए वायरस के अंदर दो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स जाएंगे, तो वो भी फिर यहाँ से एक और जीन वो आरएनए भी बनवाता है, उसे कहते हैं जीनोमिक आरएनए, जीनोमिक आरएनए भी साथ बनेगा, और वो भी यहाँ से बाहर जाएंगे, जितनी कापियाँ हैं, दो हैं, चार हैं, दस हैं, बीस हैं, पचास हैं, सौ हैं, तो हर दो जीनोमिक आरएनए के गिर्द वो जो प्रोटीन के टुकड़े बने थे ये कैप्सोमियर्स, वो यहाँ पे आपस में असेंबल होंगे, इकट्ठे होंगे, और वो कैप्सिड बना देंगे, और अंदर दो आरएनए और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या कोई और एंजाइम अगर हैं तो ये इसके अंदर आ गए, बाहर कैप्सिड बन गया। अब ये वायरस तैयार हो गया। अब यहाँ पे जो बने थे कोई रिसेप्टर प्रोटीन्स वगैरह बने थे, वो ग्लाइको प्रोटीन्स वगैरह, वो यहाँ से मेम्ब्रेन में से बाहर चले जाते हैं, बाहर वाली साइड पे जाके टकरा गए ये वाले यहाँ पे, और अब ये वायरस जाके कैप्सिड जो है टकरा जाएगा होस्ट की सेल मेम्ब्रेन, यहाँ से ये सीधी मेम्ब्रेन थी ऐसे सीधी, जब लचकदार होती है ये, जब ये टकराता है तो ये बाहर की तरफ बर्ड सा बन जाता है, उभार सा बन जाता है अंदर टकराने से, उसके दबाव डालने से, तो ये और दबाव डालेगा तो मज़ीद उभर जाएगी, और दबाव डालेगा मज़ीद उभरती जाएगी, बाहर की तरफ उभार बनता जाएगा, और ये दो किनारे क्लोज होते जाएंगे, आपस में बंद होते जाएंगे, और बंद होते होते आखिरकार यहाँ से इसको ये ढांप लेंगे मुकम्मल तौर पे, इस तरह से कंप्लीट गोल सा इसका एनवलप बन गया। अब वायरस यहाँ से बाहर चला जाएगा। अब क्वेश्चन ये भी बात स्टूडेंट के जहन में आता है कि ये जी जब ये तो मेम्ब्रेन यहाँ से टूट गई, इसमें सेल्फ रिपेयर की पावर भी है, मेम्ब्रेन अपनी अगर थोड़ी बहुत टूटी है तो अपने रिपेयर कर लेगा, अगर ज़्यादा डैमेज हो गया तो सेल ही डैमेज हो जाएगा, सेल मर जाएगा। तो आमतौर पर ये सेल जब वायरसेस रिलीज हो रहे हैं तो ये सेल मरते जा रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय होते जा रहे होते हैं। अब ये डिस्ट्रॉय हो गया, अब अगले सेल पे अटैक करेगा, दूसरे पे जो नए वायरसेस बाहर आएंगे जितने भी आए हैं वो बहुत सारी तादाद में होते हैं एक सेल से जो बाहर आते हैं, तो लिवर के सेल्स आहिस्ता आहिस्ता डैमेज हो रहे हैं और इस तरह से इनको नुकसान होता जा रहा है। अब यहाँ पे बस ये मैं इतनी चीज़ें बतानी थी। अब मैं दूसरा पेज पे जा रहा हूँ, वो आप क्लियर कर दूँ, वो नया टॉपिक है, और वो टॉपिक है यहाँ पे, वो पेज असल में ये है, यहाँ पे मैं आपको शो करता हूँ, ये लिखा हुआ है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, लिवर का पे सोजन आ जाना, स्वेलिंग आ जाना, एनलार्ज हो जाना लिवर का, इसे बोलते हैं हेपेटाइटिस। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस। लेकिन इसकी डेफिनेशन जब आएगी तो हम साथ इसकी काजेज भी लिखेंगे। हेपेटाइटिस इज मेनली कॉज्ड बाय वायरल इन्फेक्शन, तो मेन जरिया तो इसका वायरस अटैक करेंगे तो हेपेटाइटिस होगा, हेपेटाइटिस के वायरस हैं, उसकी डिटेल में बाद में जाते हैं। या समटाइम्स टॉक्सिक एजेंट्स, कोई जहर चला गया बॉडी के अंदर तो जहर के मॉलिक्यूल भी जाके लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इन्फ्लेमेशन का बायस बन सकते हैं, लिवर हेपेटाइटिस हो सकता है बॉडी को। तो ये हेपेटाइटिस की दूसरी वजह, या ड्रग्स की एक्सेस जो है, ज़्यादा ड्रग्स के इस्तेमाल से, बेतहाशा इस्तेमाल से, डॉक्टर्स बड़े कॉशियस होते हैं जब वो अपने पेशेंट को यूज़ करवाते हैं मुख्तलिफ मेडिसन्स,
तो कि उन्हें पता होता है कि ओवरडोज हो गई तो वो नुकसान हो सकता है बॉडी को, तो वो कहते हैं ये एंटीबायोटिक आपने 3 डेज यूज़ करनी है, 5 डेज यूज़ करनी है, 7 डेज यूज़ करनी है, 10 डेज यूज़ करनी है, ज़्यादा यूज़ नहीं करवाते जितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो एक्सेसिव डोज जो है टॉक्सिक टॉक्सिन के तौर पे काम करेगी और बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है। लिहाजा डॉक्टर्स उसका मुनासिब इस्तेमाल करते हैं, अगर ज़्यादा होगी डोज उनकी तो वो लिवर को इन्फ्लेमेशन का बायस यानी हेपेटाइटिस का बायस भी बन सकती हैं बास दवाइयों के एक्सेसिव यूज़ की वजह से। इसके बाद इसकी सिम्टम्स में ये भी साथ हम लिखेंगे हेपेटाइटिस की डेफिनेशन, जब शार्प क्वेश्चन आएगा तो जॉन्डिस, पीलापन या कान की अलामत, येलोनेस ऑफ स्किन, आइस और हैंड्स, फीट, पाम और सोल जो हैं हाथ की और पाँव की, और एबडोमिनल पेन, पेट दर्द। अब पेट दर्द की तो बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, पेट दर्द तो कभी पेट दर्द हो तो ये नहीं शुरू हो जाना जहन में आपके आ जाए कि जी वो हो हेपेटाइटिस हो गया। बहुत सारी अलामत डिफरेंट डिसीजेज में हमें कॉमन मिलती हैं, तो एब्डोमिनल पेन की वजह वो भूख भी हो सकती है या कोई खाने में ख़राबी भी हो सकती है, कोई और वजूहत भी हो सकती हैं, और स्कूल कॉलेज जाना हो उस दिन बहाना बनाना हो छुट्टी करनी हो तब भी उस दिन पेट दर्द हो सकता है या कोई और रीज़न भी हो सकती है। लिहाजा एब्डोमिनल पेन भी इसकी एक सिम्टम है। फैटीग, बंदा थका थका महसूस करता है, ये भी समटाइम्स फीवर भी हो सकता है हेपेटाइटिस के पेशेंट में। लिवर एनलार्जमेंट, लिवर बढ़ जाता है और फाइनली लिवर कैंसर भी हो सकता है। ये जनरल सिम्टम्स हो गई इसकी हेपेटाइटिस की। अब हम इनकी सारी टाइप्स को डिस्क्राइब करते हैं बारी बारी और देखिए ज़रा यहाँ पे हेपेटाइटिस को ए बी सी डी ई एफ जी तक लिखा हुआ है हमारी बुक ने, इसके नाम लिखे हुए हैं, और लेकिन हमने मेनली इन तीन को फोकस करना है, ए बी एंड सी। डी और ई की एक एक दो दो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, वो करनी है आपने, बेशक यहाँ मैंने ज़्यादा लिख दी हुई है, हमने इनकी जो कुछ लिखा हुआ है सारी बातें करनी है हमने। और हेपेटाइटिस ए वाज, ये नंबर वन जो है पॉइंट हमने जो डिस्कस करना है हेपेटाइटिस ए के बारे में, इट वाज फॉर्मली कॉल्ड इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस। तो यही था जहन में कि कोई इन्फेक्शन हो जाती है कुछ जरासीम वगैरह से और वो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस का नाम दिया जाता था इस हेपेटाइटिस ए को। इट्स काज, नाउ वी नो इट इज़ हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस ए वायरस, HAV, एंड इट इज इट एनवेलप्ड, नो इट इज़ नॉट एनवेलप्ड, एनवेलप इसके बाहर नहीं है। इट्स जीनोम इज RNA, जब जीनोम हम वायरसेस का लिखेंगे तो सारे वायरसेस में RNA है यहाँ पे इस टॉपिक में, एक्सेप्ट वन वायरस विच इज़ हेपेटाइटिस बी वायरस, उसमें DNA है। तो इसमें हेपेटाइटिस ए वायरस में जीनोम इज RNA, इट्स सिम्टम्स आर, उन्हीं में से जनरल में से कुछ लिख दीजिए, सबकी ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, ऑलमोस्ट एक जैसी हैं, एबडोमिनल पेन, जॉन्डिस, फैटीग, समटाइम्स फीवर, ये इसकी जॉन्डिस येलोनेस तो ये इसकी खास सिम्टम है ना जो अपेरेंटली नज़र आती है ज़ाहरी तौर पे। तो ये इसका हो गया सिम्टम्स हेपेटाइटिस ए की। इज इट एक्यूट और क्रॉनिक, एक्यूट या क्रॉनिक दो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, कोई ऐसी डिजीज़ जो शॉर्ट टर्म है लंबे अरसे के लिए नहीं हुई उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्यूट, और क्रॉनिक जो लंबे अरसे के लिए चलती रहे। तो अगर लेस देन 6 मंथ्स रहती है और उसके बाद जाँच छोड़ जाता है वायरस या कोई और डिजीज़ है तो वो एक्यूट कहलाएगी, और अगर मोर देन 6 मंथ्स उसका ड्यूरेशन है आगे भी काफ़ी अर्से चलती रहती है देन इट विल बी कॉल्ड क्रॉनिक। तो इट इज़ एक्यूट यानी शॉर्ट टर्म है ये, और इसकी ट्रांसमिशन इस मुंतकिल कैसे होती है, बाई कॉन्टेक्ट विद फीसिस फ्रॉम इन्फेक्टेड पीपल। तो बीमार बंदा है उसको पहले से हेपेटाइटिस ए है चला आ रहा है, और उस इनके लिए लाजम होता है ऐसे पेशेंट्स के लिए कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखेंगे, सफाई सुथराई का ख्याल रखेंगे, क्योंकि इसका वायरस जो है फीसिस के साथ बॉडी से बाहर जा रहा होता है। फीसिस पखाना उर्दू में हम जब वर्ड यूज़ करेंगे तो मैं किसी और लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि हम में से कई सारे जो हैं
वो ज़्यादा इंग्लिश जिनको आती है वो यूज़ कर रहे होते हैं कि ये मैं कॉलेज की फ़ीसेस ज़रा मैं डिपॉज़िट कराऊँ, ज़रा जमा कराऊँ जाके, कॉलेज की फ़ीसेस जमा करा के आया मैं, या तो कहें कॉलेज की फ़ीसें जमा कराऊँ उर्दू में कहना है तो, या कॉलेज की फ़ी जमा कराऊँ इंग्लिश में कहना है तो, फीसेज इज़ समथिंग एल्स। तो कॉन्टेक्ट विद फीसेस फ्राम द इन्फेक्टेड पीपल, बीमार लोगों ने वॉशरूम से बाहर आए हैं, हाथ प्रॉपर धोने चाहिए क्योंकि हाथ पे वायरस है, और फीसेस के साथ तो हाथ धो लिए हुए हैं, अब मज़ीद प्रॉपर वे में धोने चाहिए, साबुन को राइट हैंड में पकड़ के दाएं हाथ में उसको हाथ को लगा के साबुन रख दीजिए और फिर दोनों हाथों को पानी डाल लें, मसल लें और साफ कर लें, हाथ धो लें इस तरह से, ताकि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में हाथ मिलाते वक्त या किसी वजह से ट्रांसफ़र ना हो सके, तो कॉन्टेक्ट विद फीसेस से ये ट्रांसफ़र होता है। माइल्ड सीवियरिटी, इसकी शिद्दत क्या है, माइल्ड है, हल्का फुल्का है एंड लेस वायलेंट है, और मौत का बायस कम ही बनता है ये तो। और ये फिर कुछ दिनों में ये पेशेंट्स ठीक हो जाते थे आमतौर पे। वैक्सीन इसकी अवेलेबल है अगेंस्ट HIV, और कंट्रोल है इसका, रेस्ट करें, हैंड वॉशिंग और प्रॉपर अपने हाथ वॉश करें वॉशरूम वगैरह से, स्पेशली बाहर आते वक्त अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, और जूसेस वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और इस तरह से ये लोग ठीक हो जाते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस जो है, इट इज़ कॉल्ड सीरम हेपेटाइटिस। सीरम इज़ ए पार्ट ऑफ ब्लड, हमारे ब्लड के दो महीने से होते हैं, ब्लड सेल्स और ब्लड प्लाज्मा। वो जो लाल रंग का पानी सा हमें नज़र आ रहा होता है, स्ट्रॉ कलर या हम लाल रंग ही कहेंगे, लाल रंग का जो पानी सा नज़र आ रहा होता है वो प्लाज्मा है। उस प्लाज्मा को हमने अलग कर लिया, सेल्स को अलग कर दिया है, अब उसमें रेड ब्लड सेल्स वगैरह नहीं है, प्लाज्मा है सिर्फ। अब उस प्लाज्मा में प्रोटीन्स वगैरह हैं, उसमें से एक प्रोटीन निकाल दें जो क्लॉटिंग कराता है, जब हमें कोई कट लग जाए और खून बहते बहते जम जाता है, तो खून को जमाने वाला हमारे ब्लड के अंदर ही प्लाज्मा में प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को अलग कर दें प्लाज्मा में से, तो बाकी जो प्लाज्मा बचेगा उसे बोलते हैं सीरम। तो ये सीरम में होता है, यानी सिंपली कह दिए ब्लड में होता है ये वायरस, इसलिए इसको सीरम हेपेटाइटिस भी बोलते हैं या बोलते रहे हैं। और इट इज़ कॉज बाई हेपेटाइटिस बी वायरस HBV एंड एनवेलोप प्रेजेंट, यस इट इज़ एनवेलोप्ड एंड द जीनोम इज़ DNA इन हेपेटाइटिस बी वायरस, और इट मे बी एक्यूट और क्रॉनिक, एक्यूट भी हो सकता है क्रॉनिक भी। अगर एक्यूट है इस डिजीज़ की कंडीशन, तो इसमें बंदा फेटीग, थका थका और लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख की कमी और जॉन्डिस हो सकता है उस पेशेंट को। और क्रॉनिक है तो द पेशेंट इज़ एट द रिस्क ऑफ लिवर डैमेज, उसके लिवर के डैमेज होने का ख़तरा है उसको, उस पेशेंट को, और आहिस्ता आहिस्ता वो लिवर को ख़राब कर देगा, क्रॉनिक जो ही अरसा लंबा होता चला जाएगा तो पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा होता, और आखिरकार तब पता चलता है जब तक लिवर नुकसान हो चुका होता है काफ़ी सारा। तो इसमें एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है ये, और इसकी ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिट बाय द एक्सचेंज ऑफ बॉडी फ्लूइड्स स्पेशली ब्लड, ब्लड सीरम या ब्लड, एक बंदा दूसरे को देगा और स्क्रीनिंग नहीं कराई, टेस्ट नहीं करवाया तो तब प्रॉब्लम हो सकता है। और ब्रेस्ट मिल्क, माँ की छातियों से दूध से बच्चे में ट्रांसफ़र हो सकता है, सिलाइवा से थूक से ट्रांसफ़र हो सकता है फ्राम वन पर्सन टू अनदर, और मदर टू चाइल्ड एट बर्थ, ये वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हो सकती है, माँ से बच्चे में बर्थ प्रोसेस के दौरान ट्रांसफ़र हो सकता है, और सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी हो सकता है ये ट्रांसफ़र, जैसे मैंने HIV का कहा था। और सीवियरिटी ये माइल्ड नहीं है, सीवियर है, शिद्दत इसकी ज़्यादा होती है। और वैक्सीन इज़ अवेलेबल फॉर HBV, एंड स्पेशल बात इसकी एक छोटी सी ये है, बाद में ये बाकियों में नहीं है, बाकी सारा खाली छोड़ा हुआ है, स्पेशल बात सिर्फ बी में, ये कॉमन है एशिया में, चाइना में, अफ्रीका में, मिडिल ईस्ट में, ये जो कंट्रीज़ हैं दुबई और अबू धाबी और ये वाले जो हैं, यहाँ पे चाइना में, मिडिल ईस्ट में, अफ्रीका में, फिलीपीन में, ऐसे एरियाज में, तो एशिया में। और इधर हम रूटीन वैक्सीनेशन ये है जी कंट्रोल इसका, कि रूटीन में हर बंदे को अपने आप को टेस्ट करवाएं और वैक्सीनेशन करवा लें, और स्क्रीनिंग ऑफ डोनर्स ब्लड, और ब्लड जो है वो अपना चेक करवा लें, अगर किसी ने ब्लड लेना देना है
देने वाला बंदे का ब्लड चेक करवा के लिया जाए, और उसके टिश्यूज़ या ऑर्गन्स या किडनीज वगैरह लोग देते हैं, तो इसलिए ये चेक हो जाना चाहिए। और इसकी एक छोटी सी बात साथ वो भी बताता चलूँ आपको, पीपल कैन रिकवर, पेशेंट कैन रिकवर, इसके पेशेंट बाज पेशेंट रिकवर भी हो जाते हैं हेपेटाइटिस बी वाले जो हैं, और कंप्लीट तौर पे ठीक हो गए और उनमें इम्यूनिटी आ जाएगी आइंदा के लिए, वो उनकी बचत हो जाएगी, एंटीबॉडीज़ बन चुके होंगे। और अब आ जाइए हेपेटाइटिस सी पे। सी ये है, इसे बोलते हैं नॉन ए नॉन बी हेपेटाइटिस। अब जब ये पुराने टाइम्स में, जब अभी यहीं तक ही पता था कि हेपेटाइटिस ए और बी हैं, अभी सी का आइडिया नहीं था, तो बंदे ने अपनी स्क्रीनिंग करवाई, टेस्ट वगैरह करवाए, और उसके ब्लड में हेपेटाइटिस ए का वायरस नहीं है, इसे कहेंगे नॉन ए। हेपेटाइटिस बी का वायरस भी नहीं है, नॉन बी। अब वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, ब्लड दिया किसी को और उसको उस अगले को फिर हेपेटाइटिस हो गया, फिर उसका ब्लड टेस्ट करने भी पता चला जिसने ब्लड लिया था पेशेंट, नए पेशेंट का, कि जी उसमें तो कोई और वायरस है उसमें, और पता उसका नाम रख दिया हेपेटाइटिस सी। लिहाजा इसे बोलते हैं नॉन ए नॉन बी, कि ए भी नहीं है और बी भी नहीं है, और फिर अब तीसरी किस्म का वायरस हेपेटाइटिस सी वायरस, तो ये इसलिए इसे बोलते हैं नॉन ए नॉन बी वायरस। इसमें एनवलोप यस इट इज़ प्रेजेंट एंड इट इज़ आरएनए वायरस, कॉज इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस बोलते हैं इसको, इन्फ्यूजन्स कहते हैं ब्लड को भी बोल देते होते हैं, फ्लूइड्स को कहते हैं, बॉडी बॉडी फ्लूइड्स को कहते हैं, तो ये क्योंकि ब्लड में है ये वायरस, ये भी इन्फ्यूजन हेपेटाइटिस भी इसे बोलते हैं। और फैटीग, थका थका महसूस करता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख महसूस करता है, और जॉन्डिस है, एब्डोमिनल पेन है, और क्रॉनिक लिवर डिजीज़ हो सकती है, जब इसकी जब ये क्रॉनिक फॉर्म में होगा ज़्यादा अरसे के लिए, तो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ का मतलब उसका लिवर सिरोसिस हो जाएगी, लिवर कैंसर हो जाएगा और लिवर डैमेज हो चुका होगा, और ये अंदर ही अंदर ये पता ही नहीं चलता है इस पेशेंट को, हेपेटाइटिस सी वाले पेशेंट को, कि मुझे हेपेटाइटिस है, अनलेस कहीं पे वो जब तक उसने टेस्ट नहीं करवाया तब तक ये उसको पता ही नहीं होता, और काफ़ी नुकसान पहुंचा चुका होता है बॉडी को, लिवर को। इट मे बी एक्यूट और क्रॉनिक जैसे वो था, और इट ट्रांसमिशन जो वही है तकरीबन हेपेटाइटिस बी वाली, थ्रू ब्लड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब बच्चा माँ के पेट में पल रहा है, एंड आफ्टरवर्ड और बाद में पैदाइश के दौरान, एंड सेक्शुअल कॉन्टेक्ट से भी। इट इज़ लेस सिवियर, ज़ाहरी तौर पे इसकी शिदत इतनी नहीं है देन हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी, इसीलिए ये एक खामोश दुश्मन है, अंदर ही अंदर उसको नुकसान पहुंचा रहा है पेशेंट को। एंड इट्स अनलकीली वैक्सीन इज़ अनअवेलेबल फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस, वैक्सीन अभी तक तैयार नहीं हुई, और इसकी क्या किया जाए, हाइजीनिक कंडीशंस का ख्याल, सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, और स्क्रीनिंग की जाए ब्लड देते वक्त, या अपने ऑर्गन्स या टिश्यूज देते वक्त अपनी स्क्रीनिंग वगैरह की जाए, कराई जाए। और ये सारा हो गया हेपेटाइटिस सी का। जो डी है, इट्स वायरस इज कॉल्ड डेल्टा हेपेटाइटिस, दिस हेपेटाइटिस इज कॉल्ड डेल्टा हेपेटाइटिस एंड इट्स वायरस HDV हेपेटाइटिस डी वायरस। और ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ट्रीट कर लीजिएगा, वरना बस वही आरएनए है और सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम है, एक्यूट भी हो सकता है क्रॉनिक भी, और शिद्दत इतनी ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पे इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, और बाकी वही है। और इधर हेपेटाइटिस ये डी के बाद, ये मैं आपको हल्का सा शो कर दूँ, ये देखिए ई आ गया। हेपेटाइटिस ई वायरस में जीनोम आरएनए है, जगह नहीं थी यहाँ पर लिख दिया, तो बाकी ये सिर्फ इस बी वाले में जो जीनोम है वो डीएनए है, बाकी सब में आरएनए है। और इसमें ये एक एमसीक्यू याद रखिएगा, वर्क ऑफ हेल्बर, हेल्बर साइंटिस्ट है, 2001 में इसने कहा था कि इसके काम ने शो किया, जो काम किया, दैट पिग कुड बी द सोर्स ऑफ हेपेटाइटिस ई।
हेपेटाइटिस ई का वायरस पिग सोर सोर के गोश्त या उसकी प्रोडक्ट्स में से इंसान में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो बीइंग मुस्लिम वी डिस्टेन पिग्स, यानी हमें मज़हब ने इसको हराम करार दिया है, लिहाजा हम इसकी कोई प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते। बहुत सारी दुनिया जो है, दुनिया में नॉन मुस्लिम जो हैं वो बेतहाशा इसको यूज़ करते हैं, और लिहाजा उन लोगों में तो इसके पोर्क से, इसके गोश्त वगैरह से और या दूसरी प्रोडक्ट्स में से ये ट्रांसफ़र हो सकता है इनटू ह्यूमन बींग्स। और इसका जो स्प्रेड है ये भी एमसीक्यू याद रखिएगा, ये दो हैं अब कॉन्टैक्ट विद फीसेस से जो ट्रांसफ़र होंगे, एक हेपेटाइटिस ई वायरस और एक हेपेटाइटिस ए वायरस, और बस लास्ट पे एफ और जी का वायरस इज़ येट टू बी आइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड हैं अभी तक, आइडेंटिफाई नहीं हो सके, इनकी डिटेल का पता नहीं है। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया हुआ है। अब यहाँ पे ये सारा चैप्टर हमने यहाँ पे एंड कर दिया, अब सारे बच्चे इसको ठीक तरह से तैयार कर लेंगे, और पता नहीं आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कब खुलते हैं। बहरहाल हम अपना ये काम किए जा रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। आपको कोई प्रॉब्लम हो इस टॉपिक में या किसी पिछले टॉपिक में, मुझसे कांटेक्ट करके, मुझे मैसेज करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अल्लाह करे बस ये आप सारा ठीक तरह से तैयार कर लेंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह किसी और चैप्टर में, किसी और दिन में, किसी और मंथ में फिर दोबारा मुलाकात होगी, और अल्लाह करे आप सारे लोग ठीक रहें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।